हेलो गाइस, संस्कृत का पैसेज देखिए आप। संस्कृत जिस किसी पर भी संस्कृत नहीं आती, बस गद्यांश को आप अच्छे से देखें, ध्यान से पढ़ें। तो जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लोगे, तो जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है जी, देखिए आप गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पठी तवा परसानाम उत्तराणि समुचितम विकल्पम चित्वा दत्त इत्यम संप्राध्य मथुरा गामिनी भंडानी अदाय सुभाया तीथो गुरु जनानु अज्ञात सुरथाधिरूढ़ पर स्थित तस्य च मंगल वर्ष भो सचिव नंदक नामा नोमो गृहित उत्तरो ध्रुवोधारो स्थितो तयोरेक सजीविकार का भी धानो यमुना कछम वतीन सन पकड़ पूर मासाद कलित चरणो युग भंग विधाये निसाद अत तम तदव स्थाम लोक्य वर्धमान है परम विषाद मग ममता तदर्थ चै स्त्रहाद्रेय तीरांत्र प्रयाण भंगम करोत अत तम विषणम मालोक्य सारथी केर भी रीतम भोस्र श्रेष्ठनी किम वे वृषभ कृते सिह व्याघ्र समाकूले ब्रहा पाए अस्मिन बने समस्ता सामर्थ्य तव्या संदेहे नियोजिते है अथासो तद्वधार्य सजीव कश्य रक्षा पुरुषनान रिपुय असो ऐसे सार्थ नितवा पर स्थित अत रक्षा पुरुष अपि बहा पायम तदनम विदितवा सजीवकम परित्यज्य पृष्ठतो गत्वा अन्येते यदुस्तम सार्थवाहम मिथ्याऊं स्वामीन मृतो असो सजीव को असमा भीषितु सार्थवाहा सयाभीष्ट इति मत्वा वहीना संस्कृत इति तच छुत्वा सार्थवहा कृत गत्यः स्त्रह द्रिय तयत इत्से ओ धर्व्य देवी देहिक क्रिया वर्षोत सर्गादिका सर्वसाकार संजीव को पायायु है शेषस्तया यमुना सलील मिश्रे है यमुना तट मूप पेदे तत्र मरकत सदृशानी बाल त्रीणा ग्रामी भक्ष्यन कतिपयेर हो भी हरर विरसब इव पीन है ककुधान बलवाच संवृत प्रत्ययहेम बलामी वाल्मीकि सिकर ग्राणी श्रृंगा भयाम विदारयन गर्जमान आस्ते साधु चेद मुच्यते। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। संजीवक कै आसित कै मिस माने कौन, आसित मिस था, संजीवक कौन था, संजीवक वृषभ था, ऑप्शन सी ये गद्यांश में वृषभ। दस क्वेश्चन, युग भंग विधाय कै निषाद, युग भंग कौन निषाद था, कै मिस माने कौन निषाद माने था, संजीवक निषाद था, ऑप्शन सी संजीवक। क्वेश्चन 11, सार्थवाहम संजीव से मृत्यु विषय मिथ्या समाचारम दत्तवंत। सार्थवाहा संजीव का मृत्यु विषय के बारे में मिथ्या माने झूठ समाचार देता है के
के बारे में समाचार देता है, किसके बारे में समाचार देता है? तो सार्थवाहा संजीव का मृत्यु के विषय में झूठा समाचार रक्षा पुरुषों को देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्षा पुरुषा। क्वेश्चन 11, परयान शब्द का क्या अर्थ है? मृत्यु है, वनम है, यात्रा है, पकड़ है? तो इसका आंसर होगा यात्रा है। परयान शब्द का अर्थ यात्रा है। देखिए आप, परयान शब्द से यात्रा अस्थ, परयान शब्द का अर्थ यात्रा है, मृत्यु का मृत्यु है, वनम का वन है, यात्रा का यात्रा है, और पकड़म का कीचड़ है। क्वेश्चन 13, पर स्थित शब्द से निम्नलिखित तेसु के समानार्थी शब्द, पर स्थित शब्द का निम्नलिखित में से कौन, मतलब कि क्या समानार्थी शब्द है? समानार्थी शब्द है व्यवस्थित है, अव्यवस्थित है, आगत है, गत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गत है। क्वेश्चन 14, अक्रोत रूप मीदम कश्य लकारश्य, अक्रोत किसका लकार का रूप है? ऑप्शन ए लट लकारश्य, ऑप्शन बी लंग लकारश्य, ऑप्शन सी लुंग लकारश्य, ऑप्शन डी विधि लिंग लकारश्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लंग लकार ऐश्य। क्वेश्चन 15, ब्रह पाए हत्या यत्र संधि विच्छेद के क्रिया ताम, ब्रह पायो के हत्या छंदि विच्छेद कौन सा है? अब देखिए आप, बहु उपाय, ऑप्शन बी बहु अपाय, ऑप्शन सी बह हेवी अपाय, ऑप्शन डी बहु अपाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बहु प्लस अपाय। क्वेश्चन 16, कविता विषयक भाषा प्रयोग अंतर्गत दिवस मध्य च पूर्वः कृत छात्र है किम शिक्षितम इत्यंताम स्थितिम ज्ञातुम अध्यापक है पुनरीक्षते, इसमें एतत् कृत्य से संपूर्ण कक्षायाः विचार विमर्शम प्रारब्धवान अहम विचार विमर्श है अस्ति। इसका आंसर होगा प्रवचनम। क्वेश्चन 17, भाषा अधिग्रहण उपकरणम अस्ति, भाषा अधिग्रहण के उपकरण है, मस्तिष्कस्य भागे है याम भाषाम गृहीतुम पूर्वतः प्रयोजित अस्ति। ये भी सही है, मस्तिष्क से भाग यत्र है भाषा, यत्र है यहाँ भाषा संग्रहिते, ऑप्शन सी तद उपकरण येन बाल्य काले एकस्य एक बार भाषाए अधिकरणा नाम भाषणाम अधिगम है संभवतः कीर्ते है, ऑप्शन डी तद उपकरणम येन छात्राः नवीन है शब्दे है सह अनुभव कृतवंत। इसका आंसर ए और सी दोनों। क्वेश्चन 18, पठन अधिग्रहण अर्थ कत्मा संज्ञानात्मक योग्यता इष्यते, पठन अधिग्रहण अर्थ कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता है? मानसिक प्रतिनिधित्व, मस्तिष्क सिद्धांत, ऑप्शन सी भाषाए मान भाषा कल्पना शक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषाए माना भाषा। क्वेश्चन 19, ध्वन्य आत्मक ज्ञानस्य का त्रिस्त्र अवस्था संति, ध्वन्य आत्मक ज्ञान का कौन तीन अवस्थाएं होती है? नंबर एक मात्रा शब्दाह वाक्यायनी नहीं, नंबर दो ध्वन्य स्वरोचता स्वरशैली नहीं, गहनता गति लय नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मात्रा भी और अत्यान अनुप्रांश और ध्वनि ग्राम तीनों अवस्था होती है ध्वन्य ग्राम ध्वन्य आत्मक ज्ञानस्य की। क्वेश्चन डी, ध्वन्य आत्मक ज्ञानस्य मात्रा अंत्य अनुप्राप्त ध्वन्य ग्राम, ध्वन्य आत्मक ज्ञान का तीन अवस्था है मात्रा अत्यानुप्रांश
ध्वनि ग्राम धन्यते इति ध्वनि भास विभाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान का विशेष महत्वपूर्ण है। विश्व की समस्त भाषाओं में ध्वनि तत्व पर विचार हुआ है, परंतु ध्वनि तत्व का जितना सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण संस्कृत में हुआ है वह अन्यत्र नहीं मिलता। क्वेश्चन 20। कचिंद, कचिंद माने होता है कोई, बालक है माने बालक, सब पितर सब पितरा अपने पिता के सहमी साथ आपन माने बाजार गश्ती में जाता है। कोई बालक अपने पिता के साथ बाजार जाता है, तस्य उसका पिता पिता गच्छन जाते उसका पिता जाते हुए मार्ग चिन्ह आपन बाजार चिन्ह और दर्शयति दिखाता है, पठती च और पढ़ाता है, अन्य तस्य अनेक तस्य माने उसके निम्नलिखित विकास में सहायता देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मुद्रण परिचय है, ऑप्शन बी चिन्ह भाषा परिचय है, ऑप्शन सी शिष्टाचार परिचय है, ऑप्शन डी ध्वनि ग्राम परिचय। इसका आंसर होगा मुद्रण परिचय है। इसका आंसर ऑप्शन ए मुद्रण परिचय किसे कहें? जैसे दीवारों पर पेंटिंग लगी रहे, जैसे मूवी का प्रचार हो उसमें मूवी पे प्रिंट करवा कर वो डाल देना। क्वेश्चन 21। चित्र अध्ययन परोगाये अध्यापिका छात्रानां हस्तपत्राणि ददाति एतानि चित्राणि बालकान् निम्नलिखितेषु सहायतां दास्यति। चित्र अध्ययन प्रोग्राम प्रयोग में अध्यापिका छात्र को हस्तलिखित पत्र देती है, एतानि चित्राणि बालकान् निम्नलिखित सहायता ऐसे चित्र बालक के सहायता देंगे किस चीज में? भाषा विकास में, रेखा चित्र विकास में, शिष्टाचार विकास में, कला विकास में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाषा विकास में सहायक होंगे, ऐसे चित्र बालक के भाषा विकास में सहायता देंगे। क्वेश्चन 22। निम्नलिखित कतम उद्यामान साक्षरताया चिन्ह नास्ती नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी उदीयमान साक्षरता के चिन्ह नहीं है, नास्ती मिस नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए बालक है, एत जानाति यते पठन क्रिया वामत है दक्षिणम प्रतिभवति, बालक सम्यग रूपेण पठति, ऑप्शन सी बालक अनुभवति यद अक्षराणि लेखनांश प्रतिनिधित्व कुर्वन्ति, बालक सोदेश्यम आरेखति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बालक सम्यक रूपेण पठती है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन 23। आधारभूत साक्षरता निम्नलिखित तस्य योग्यता अस्ति, वर्णमाला अक्षराणाम अभिज्ञानम उपयुक्त ध्वनि ग्रामाणाम परिचयः पूर्ण वाक्यानाम लेखनम, ऑप्शन डी पठनम लेखनम च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पठन और लेखन आधारभूत साक्षरता की योग्यता है। क्वेश्चन 24। चतुर्थ कक्षायाः पठन परीक्षाः सज्जीकरणे अध्यापकः परामर्श दीयते, ऑप्शन ए छात्रभ्य एतत् कथनम यत् परीक्षा अति महत्वपूर्ण अस्ति ते यथा संभवम सर्वोत्तम करियणम, ऑप्शन बी छात्राः निर्देशयन्ताम यते व्युत्क्रमान्तानि वाक्यानि पठित पाठ्यान अनुसारम पुनः व्यवस्थित व्यस्थापितम व्यानि, ऑप्शन सी छात्राः कथयन्ताम यत् निर्देश है स्पष्टतया पठितवाः तथा पठित पाठ्यस्य विषयमाश्रित्य शब्द सीमांत अंतर्गत एक अनुच्छेद लेखनीय है,
परीक्षा विधिम अनुसृत्य प्रश्नो उत्तर से अभ्यास छात्र है कारणीय है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रा निर्दिश्यंताम यते व्युत क्रांतानि वाक्यानि पठित पाठ्य अनुसरण पुनर्व्यवस्थित व्यानि। क्वेश्चन 25, काचिद अध्यापिका सब छात्रान बहुषु समूह प्रयोगेषु संलग्ना करोति यथा सामूहिक विचार विमर्श सामूहिक परियोजनासु भूमिका निर्वहेषु इत्यादिषु एदादशी सह पाठी भी है सह शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखितेषु केन समर्थिता। अब देखिए इसमें कोई अध्यापिका अपने छात्रों को बहुत समूह में प्रयोग तत्पर करती है या तैयार करती है जो सामूहिक विचार विमर्श सामूहिक परियोजना के अनुसार भूमिका निर्वहन करते हैं ऐसे और सहपाठी से साथ साथ पढ़ने के साथ साथ वह शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन समर्थित है किसके द्वारा समर्थित है केन। तो इसका आंसर होगा स्किनर महोदयन चोम्स्की महोदयन ऑप्शन सी वायगोस्की महोदयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित तेसु किम प्रभावशाली शिक्षणे आधारी तम अस्ति। निम्नलिखित में से क्या प्रभावशाली शिक्षण आधारित है अनुमानम सूचना लेखनम टिप्पणी लेखनम टिप्पणी ग्रहणम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी टिप्पणी लेखनम सॉरी इसका आंसर होगा ग्रहण लेखनम नी यहाँ गलती होगी मेरे से टिप्पणी ग्रहणम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, यस्याः प्रक्रियाः छात्राणाम आवश्यकता अस्ति विचारो उत्तेजनम व्यवस्था प्रारूपम संपादनम तथा पुनर्वीक्षणम सा प्रक्रिया विद्यार्थी श्रवण कौशलम भाषण कौशलम पठन कौशलम कौशलम और लेखन कौशलम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लेखन कौशलम। एक्सप्लेनेशन देखिए, यस्य प्रक्रियाः छात्राणाम आवश्यकता अस्ति विचारो उत्तेजनम व्यवस्था प्रारूपम संपादनम तथा पुनर्वीक्षणम तथा प्रक्रिया लेखनम कौशलम विद्यते। जिस प्रक्रिया की छात्रों को आवश्यकता है शुरुआत विचार उत्तेजनम व्यवस्था प्रारूप संपादन पुनर्वीक्षण वह प्रक्रिया लेखन कौशल कहलाती है। लेखन कौशल का अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भाषा को अंकित करने की कुशलता। क्वेश्चन 28, कचित अध्यापक है सब छात्र नाम पाठ्यास तूषणी पठितुम कथ्यति अध्यापक रूपेण स छात्रानां निर्देशित। कोई अध्यापक अपने छात्रों से चुपचाप पढ़ने के लिए कहती है अध्यापक रूप में वह छात्रों को निर्देश देती है। ऑप्शन ए, यदि ते कमापि सदम कठिनम अनुभवन्ति तदा ते अध्यापकम अगच्छन्तु। ऑप्शन बी, प्रकरणम अनुसारम नवीन शब्दानाम अर्था है निकृष्टावय तथा अर्थावबोधनम से पठितवा। ऑप्शन सी, पठ्यते प्रयुक्ता व्याकरणम नियमा रेखा तथा तेषु विशेषम ध्यानम दातव्यम। ऑप्शन डी, यदि ते पाठ्य से अवबोध करंतु न सुखवंति तदा पाठ्याम निर्दिष्ट काले पठितव्यम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकरण के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ निकृष्ट निर्दिष्ट करके तथा अवबोधन के साथ पढ़ाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29, कश्चित भाषा अध्यापक सब छात्रणम कथयति यत ते कक्षायाम समक्षम ग्रीष्म कालीन अवकाश्य
स्मरणीय घटना वर्णन यंतु भाषा छात्र से कीर्ते निम्नलिखितेषु के विधि सर्वोत्तम अस्ति। कोई भाषा अध्यापक अपने छात्रों से कहता है कि वे कक्षा के समक्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय स्मरण घटना के वर्णन भाषा छात्र का कृत्य निम्नलिखित, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सैतान गृह भाषायाम सब विचारणा प्रकटी प्रकटी युन्तुम प्रोत्साह ये। एक्सप्लेनेशन देखिए, कचित भाषा अध्यापका सब छात्राणाम कथयति यत ते कक्षायाम समक्षम ग्रीष्मकालीन अवकाशय स्मरणीय घटनाम वर्णयन्तु भाषाय छात्रस्य कृते सैतान गृह भाषायाम सब विचारान प्रकटी युन्तु प्रोत्साहयेत। कोई भाषा अध्यापक अपने छात्रों से कहता है जो वे कक्षा के समक्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश का स्मरण करके वर्णन करते हैं, भाषा छात्र के लिए वह अपने घरेलू भाषा में अपने विचारों को प्रकट करने का प्रोत्साहन देना सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन 30, उद्यमान लेखक केशु अध्यापक उत्तम लेखन कौशलम विकास हेतु कथम सुकृति, विषय स्पष्ट निर्देश दत्वा शब्द सीमांत अंतर्गते भवन्तु निर्देशित छात्रे यत उत्तम कृतम अध्यापक तस्य प्रशंस कुर्यात परिस्कृतु च स्वा स्व विचारान कथयेत। ऑप्शन सी, सुंदर लेखन लेखी तुम निर्देशे सेत। ऑप्शन डी, केवल व्याकरण त्रुटि अधिकृत छात्राणां व्यापकम प्रतिपुष्टि ददात। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।